ज्ञान द ट्रेजर में आपका स्वागत है और हम आपको बताएंगे कि जैन धर्म क्या है और ये हमें क्या सिखाता है। शॉर्ट में बताऊंगा, भारत में बहुत सारे धर्म हैं। सबसे प्राचीन धर्म सनातन धर्म है, जिसे आज लोग हिंदू धर्म कहते हैं। इतिहास में देखें तो भारत बहुत से धर्मों की जननी रही है, चाहे बौद्ध धर्म हो, सिख धर्म हो या फिर जैन धर्म क्यों ना हो। माना जाता है कि जैन धर्म का निरूपण सनातन संस्कृति के माध्यम से ही हुआ है। यह धर्म अहिंसा पर बहुत महत्व देता है। आज हम आपको इसी धर्म के बारे में बताएंगे। हम आपको यह जानकारी जो है इन शॉर्ट बताएंगे ताकि आप बोर नहीं हो। जैन शब्द का अर्थ, जैन शब्द जिन से बना है, जिसका अर्थ है वो पुरुष जिसने समस्त मानवीय वासनाओं पर विजय प्राप्त कर ली है, भोग प्रवृत्तियों पर विजय प्राप्त कर ली है, अर्थात जिसने अपने मन को जीत लिया हो तथा सांसारिक इच्छाओं पर नियंत्रण कर लिया हो। तीर्थकर इन्हीं गुणों से पूर्ण थे, अतः इनके द्वारा चलाया गया धर्म जैन धर्म कहलाया। जैन धर्म का प्रारंभ एवं इतिहास, जैन धर्म के अनुयायियों की मान्यता है कि उनका धर्म अनादि अनंत समय पहले का है और सनातन है। सामान्यतः लोगों में यह मान्यता है कि जैन पंथ का मूल उन प्राचीन परंपराओं से रहा होगा जो आर्यों के आगमन से पूर्व इस देश में प्रचलित थी। किंतु यदि आर्यों के आगमन के बाद से भी देखें तो ऋषभ देव और अरिष्ट नेमी को लेकर जैन धर्म की परंपरा वेदों तक पहुंचती है। महाभारत युद्ध के समय इस संप्रदाय के प्रमुख नेमीनाथ थे, जो जैन धर्म के एक तीर्थकर हैं और उनका जन्म काशी में हुआ था। काशी के पास ही 11वें तीर्थकर श्रेयांसनाथ का जन्म हुआ था। इन्हीं के नाम पर सारनाथ का नाम प्रचलित है। जैन धर्म में श्रमण संप्रदाय का पहला संगठन पार्श्वनाथ ने किया था। यह श्रमण वैदिक परंपरा के विरुद्ध थी। महावीर तथा बुद्ध के काल में यह श्रमण कुछ बौद्ध और कुछ जैन हो गए। इन दोनों ने अलग अलग अपनी शाखाएं बना ली। भगवान महावीर जैन धर्म के 24वें तीर्थकर महावीर वर्धमान हुए थे। महावीर स्वामी ने शरीर छोड़ने से पूर्व जैन धर्म का प्रचार किया था, ये आप लोग सबको पता है। अहिंसा का उन्होंने जैन धर्म में अच्छी तरह से स्थापित किया। महावीर स्वामी ने शरीर छोड़ने से पूर्व जैन धर्म की जो नींव है वो काफी मजबूत कर दी थी। संसारिकता पर विजय होने के कारण वे जिन कहलाए, जई कहलाए। उन्हीं के समय से यह संप्रदाय का नाम जैन हो गया। अशोक के अभिलेखों से यह पता चलता है कि उसके समय में मगध में जैन धर्म का प्रचार था। लगभग इसी समय मठों में बसने वाले जैन मुनियों में यह मतभेद शुरू हुआ कि तीर्थकरों की मूर्तियां कपड़े पहनाकर रखी जाए या नग्न अवस्था में। इस बात पर भी मतभेद था कि जैन मुनियों को वस्त्र पहनना चाहिए या नहीं। आगे चलकर यह मतभेद और भी बढ़ गया। ईसा की पहली सदी में आकर जैन मतावलंबी मुनि दो दलों में बट गए, जैन धर्म को जो मानने वाले। एक दल श्वेतांबर कहलाया, जिसके साधु सफेद वस्त्र पहनते थे, और दूसरा दल दिगंबर कहलाया, जिसके साधु नग्न ही रहते थे, मतलब बिना कपड़े के। जैन धर्म का प्रचार प्रसार ईसा की पहली शताब्दी में कलिंग के राजा खारावेल ने जैन धर्म स्वीकार किया। ईसा का प्रारंभिक सदियों में उत्तर में मथुरा और दक्षिण में मैसूर जैन धर्म के बहुत बड़े केंद्र थे। 5वीं से 12वीं शताब्दी तक दक्षिण के गंग, कदम्बु, चालुक्य और राष्ट्रकूट राजवंशों ने जैन धर्म का प्रचार प्रसार में बहुत सहयोग और सहायता प्रदान की। इन राजाओं के यहाँ अनेक जैन कवियों को आश्रय सहायता प्राप्त होती थी। 11वीं सदी के आसपास चालुक्य वंश के राजा सिद्धराज और उनके पुत्र कुमारपाल ने जैन धर्म को राजधर्म बना दिया था तथा गुजरात में उसका व्यापक प्रचार प्रसार किया। हिंदी के प्रचलन से पूर्व अपभ्रंश भाषा का प्रयोग होता था। अपभ्रंश भाषा के कवि, लेखक एवं विद्वान हेमचंद्र जी इसी समय के थे। हेमचंद्र कुमारपाल के दरबार में ही थे। सामान्यतः जैन मतावलंबी शांति प्रिय स्वभाव के होते हैं।
इसी कारण मुगल शासन काल में इन पर अधिक अत्याचार नहीं होते थे। उस समय के साहित्य और अन्य वितरणों से प्राप्त जानकारियों के अनुसार अकबर ने जैन अनुयायियों की थोड़ी बहुत मदद भी की थी, मगर धीरे धीरे जैनियों के मठ टूटने और बिखरने लगे। जैन धर्म मूलतः भारतीय धर्म है। भारत के अतिरिक्त पूर्वी अफ्रीका में भी जैन धर्म के अनुयायी रहते हैं। तो धन्यवाद, आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।